तो भाइयों पाकिस्तान पंजाब के राजपूतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो भाइयों ये तो सिर्फ चौथी सूची है, जो कि एक पखराल राजपूत है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उसके अलावा आप सभी देख सकते हो कि राजा शौकत अजीज भट्टी ने भी जीत हासिल कर ली है। इसके बाद राणा अहमार राशिद भट्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो भाइयों इसके बाद आप सभी देख सकते हो कि राणा जावेद उमर ने भी लाहौर से जीत हासिल करी है। तो भाइयों उसके बाद आप सभी देख सकते हो कि तौबा तेग सिंह से रियाज फतियाना, जो कि एक सियाल राजपूत है, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो भाइयों उनकी ही पत्नी आशिवा रियाज फतियाना ने भी जीत हासिल कर ली है। तो भाइयों इस पसरूर से राणा फियाज ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा नेशनल असेंबली 73 से राणा शमीम खान ने भी जीत हासिल, इसके बाद राणा अब्दुल सत्तार ने भी सियालकोट से जीत हासिल कर ली है। तो वहीं उसके बाद हफीजाबाद से अनिका भट्टी ने भी जीत हासिल कर लिया है। बाद साहिबाल से राय हसन नवाज खान ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा राय मुर्ताजा इकबाल ने भी जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा राव उमर हशीम ने भी जीत हासिल कर ली है। पाक पतन से राव हशीम, और वहीं उसके बाद जरावाला से राय जहूर खां खरल ने जीत हासिल कर ली है। तो वहीं ननकाना साहिब से राय शजरा मसब खां खरल ने जीत हासिल कर ली है। तो वहीं इसके अलावा नारोवाल से राणा एहसान इकबाल चौधरी सुलेरिया ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा नारोवाल से ही राणा बिलाल अकबर ने जीत हासिल कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है, तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र।